हाय दोस्तों, आप सभी का हमारी सीरीज चार्ट ऑफ द वीक में मैं विजय बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं उसमें 16 से 17 साल के बाद यहां पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है और जैसा इसका चार्ट पैटर्न बना है मुझे इस समय स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करता हूँ तो एक रेंज के अंदर आप इजिली बाई कर सकते हैं और यहाँ पे इस स्टॉक को हमने 80 रुपये पे वीडियो बना के बताया था भैया बाई कर लो, बॉटम बन चुका है। सेकेंड टाइम हमने 95 के ऊपर भी वीडियो बनाया 135 से लेके 140 के टारगेट के लिए, लेकिन अब यहां पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है इसलिए हमने फिर से इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। और यहां पे देखिए, अगर आपने अभी तक 5 ब्रेकआउट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग का ये वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार ये वाला वीडियो भी देख लीजिए। यहां पे हमने स्विंग ट्रेडिंग के 5 स्टॉक्स के ऊपर बात करी है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न बने। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम जिस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे वो सिर्फ एक एजुकेशन की मकसद से है। मेरी इस स्टॉक के अंदर खरीदारी बिकवाली करने की कोई राय नहीं है, जो भी कुछ आपको करना है अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर आप कर सकते। अब देखिए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक की कैसी तेजी रहती है उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट ले आया हूँ, क्योंकि जिस स्टॉक का ये चार्ट है ना इसको भी हमने 480 रुपए के ऊपर यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद में चार्ट ऑफ द वीक में दिया था और जैसा यहाँ पे भी 16 से 17 साल के बाद ब्रेकआउट हुआ था ठीक वैसा ही ब्रेकआउट यहाँ पे होने वाला है। स्टॉक का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम, आपको अच्छी तरह से याद होगा 480 के ब्रेकआउट के ऊपर हमने चेन्नई पेट्रोलियम को दिया था और 3 से 4 मंथ के अंदर देखें तो यहाँ पे 900 रुपये का हाई चेन्नई पेट्रोलियम लगा के आ चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ चेन्नई पेट्रोलियम को मैं जो चार्ट दिखा रहा हूँ उसका दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी तेजी आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम का चार्ट आपको दिखाया है। और अब चलते हैं आज कौन सा स्टॉक हम चार्ट ऑफ द वीक में लेके आए हैं। आज के चार्ट ऑफ द वीक के अंदर हम लेके आए यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हमने 80 के ऊपर वीडियो बनाया, 95 के ऊपर भी वीडियो बनाया, निचले लेवल से अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर तो आप है और यहां पे अब आपको ब्रेकआउट के बाद में कंपाउंडिंग का बहुत ही बढ़िया फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो भैया हम देखिए भाव की बात करते हैं तो 141 रुपए फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है और 4% से ज्यादा की तेजी हमको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जिसको हम यहां पे नेल्को के नाम से भी जानते हैं उसके अंदर आती हुई नजर आई है। तो यहां पे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसा चार्ट हमको यहां पे नेल्को का लग रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वह जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे हम मार्केट पे भी जो कोई बढ़िया हमें कोई चार्ट वगैरह लगता है तो हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये नेशनल एल्यूमिनियम का हमारे पास में एक मंथली चार्ट है तो मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ किस तरह का एक यहाँ पे सपोर्ट व रेजिस्टेंस बन रहा है, या आप ये कह सकते हैं 16 से 17 साल का एक बॉक्स पैटर्न, एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दो बार ये रेजिस्टेंस रहा, एक ये रेजिस्टेंस रहा शूटिंग स्टार बनी 2010 के अंदर और यहाँ पे 7-8 के अंदर रेजिस्टेंस रहे, इसके बाद 2020 के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक डोजी बनी, डोजी बनने के बाद में गिरावट आई। मैं भी चार्ट में आपको थोड़ा जूम करके मैं डोजी वगैरह शूटिंग स्टार आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे इस लेवल पे लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी लेकिन जो जनवरी मंथ है उसके अंदर एक अच्छी क्लोजिंग हमको यहाँ पे देखती हुई नजर आ रही है। साथ में डे चार्ट के ऊपर भी मुझे एक बहुत ही अच्छा सेटअप इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो ये 25 रुपये के पास एक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, यहाँ पे डबल बॉटम बना ठीक इस 25 के लेवल पे और यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बना इस 25 के लेवल पे। तो इस तरह से 140 रुपये से लेके और 125 रुपये की सॉरी 140 से लेके सिर्फ 25 रुपये की इस रेंज के अंदर यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनाया है और 16 से 17 साल के एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमको यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा एक बार देखें कि यहाँ पे लास्ट टाइम पे जब आया था तो बहुत अच्छी वॉल्यूम आई थी लेकिन ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया था, ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं था, एकदम टच होके आ गया था। इस बार देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट होने वाला है। लास्ट टाइम पे भी यहाँ पे आया था तो बिल्कुल वॉल्यूम नहीं थी, 2007-08 के अंदर आया था तो वहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं थी। तो इस बार यहाँ पे हमको वॉल्यूम का भी सपोर्ट यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे डोजी कैंडल के ऊपर बात करते हैं, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था तो यहाँ पे ये देखिए एक क्लासिक डोजी यहाँ पे बनती हुई नजर आई है और इस डोजी
की बनने के बाद में इस वाली रेड कैंडल में हमको कंफर्मेशन हो गया और यहाँ पे लगभग 130 रुपए का स्टॉक यहाँ पे 60 रुपए यहाँ पे आ चुका था। तो इस तरह से यहाँ पे डोजी के मंथली पे डोजी बनने के बाद में हमको एक गिरावट देखने को मिली है। तो चलते हैं हम वीकली चार्ट पे, देखते हैं वहाँ पे चार्ट कैसा है नेशनल एल्यूमिनियम का। अभी अपने पास में यहाँ पे एक वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इस वाले बॉटम के ऊपर हमने वीडियो बना के बाई करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे राउंडिंग बॉटम तो कंप्लीट हो चुका है और इस एरिए पे यहाँ पे लगातार बहुत अच्छी वॉल्यूम यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जरा आप कैंडल को देखेंगे ना समझेंगे, तो यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बनती हुई जा रही है जो यहाँ पे देखिए, क्योंकि 135-40 जो रेजिस्टेंस था ना वहाँ पे राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो चुका था, साथ में रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे अब बुल और बियर के बीच में फाइट हो रही है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है इसको कहाँ पे ले जाना है। अगर 140 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो बुल की जीत हो जाएगी, स्टॉक यहाँ पे मल्टीयर ब्रेकआउट हो जाएगा और ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, है ना। यहाँ पे हमको वॉल्यूम बता रही है कि इस लेवल के बीच में इस स्टॉक के अंदर बड़े लोगों के द्वारा पोजिशन बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे डे चार्ट के ऊपर भी हमको एक छोटा सा बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे वीकली पे तो आपको इनडिसीजन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, इस वीक में देखेंगे ना तो एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई नजर आ रही है अपन को। तो निचले लेवल से तुरंत रिकवरी हो गई, इस वाली कैंडल को देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप बन रही है, ये शूटिंग स्टार बन रही है। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, जैसे स्टॉक 135-40 के ऊपर जाता है तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे स्टॉक 120 के पास आता है बायर इसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं, दोबारा फिर से स्टॉक को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो भैया दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही है, लेकिन हमको यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा इशारा दे रही है कि हाँ यहाँ पे पोजिशन बनाई जा रही है। तो चलते अब डे चार्ट के ऊपर और देखते हैं डे चार्ट कैसा है। तो अब हम नेशनल एल्यूमिनियम के डे चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे भी हमको एक छोटा बॉक्स पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और पूरे जनवरी मंथ से बन रहा है। ऊपर की रेंज 140 रुपए की है, नीचे की रेंज 120 रुपए की है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट, यहाँ पे भी एक डोजी बनने के बाद में स्टॉक में गिरावट आई और लगभग फ्राइडे के दिन ठीक इस लेवल के पास में जाके हमको क्लोजिंग होती हुई नजर आई है और ये अपने पास में यहाँ पे लगातार सपोर्ट हो गया। साथ में जो अपनी एक स्ट्रेटेजी है ऑल इज वेल, देखिए यहाँ पे भी ये गिरावट आई, ऑल इज वेल बना, उसके बाद की तेजी ये रही, यहाँ पे एक टाइम करेक्शन हुआ, रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बना, अपना ऑल इज वेल बन चुका है। तो अब स्टॉक अपनी तेजी के लिए तैयार है। अब देखिए यहाँ से अगर जो अपना फ्राइडे का हाई है या 143 रुपए के ऊपर जब निकल जाता है, कुछ देर टिक जाता है स्टॉक, तब आपको बाई करना है नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक के अंदर। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा सा है, ये जो बॉक्स बनाया ना इस बॉक्स के नीचे की रेंज कितनी है 120 रुपए की, तो इसके नीचे एक कम से कम डेली क्लोजिंग बेसिस, भैया डेली क्लोजिंग बेसिस नहीं क्योंकि मल्टीयर जो ब्रेकआउट हो रहा है ना उसके विहाव पे अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एसएल रखना होगा। और जिस तरह का चार्ट है मुझे तो भैया बहुत बढ़िया चार्ट लग रहा है, अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास में ये वाला सेटअप नहीं बनता ना तो मैं हो सकता है इसको चार्ट ऑफ द वीक में नहीं देता, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में एक मंथ से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है, इस वजह से मैंने इसको चार्ट ऑफ द वीक में सेलेक्ट किया है। क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये का रिस्क अपने पास में, 20 रुपये का रिस्क है, रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने आपको यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम का चार्ट दिखाया था कि मल्टीयर ब्रेकआउट के बाद में कैसे स्टॉक लगभग डबल हो चुका था, तो कुछ ऐसा यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम का आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों आज के चार्ट ऑफ द वीक में अगर आपको आज का स्टॉक पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके बताना है कि आज का स्टॉक आपको कैसा लगा, और टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर ज्वाइन हो लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां पे भी हम लगातार अच्छे अच्छे ट्रेड देते रहते हैं। बाकी आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।